नमस्कार। विश्व रंग 2020 के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा सेठी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती हूँ और लिखने पढ़ने में आलोचना से मेरा सरोकार है। और आज मेहमान हैं कवित्री अनामिका जी। अनामिका जी, आपका स्वागत है। और आज कोशिश होगी कि जिन अनामिका जी को मैं जानती हूँ उनसे आपका परिचय कराऊं। आपने उनकी कई कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे कि उन्होंने कितने कविता संकलन प्रकाशित किए हैं, तो गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियां, धूपधान, टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014 और पानी को सब याद था, ये उनकी कविताओं के संकलन हैं। उपन्यासों में कथा साहित्य में आवांतर कथा, दस द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास और अभी आया आईना साज, बहुत से उन्होंने अनुवाद किए हैं, आलोचना लिखी है स्त्रीत्व का मानचित्र से, जैसे स्त्री आलोचना को उन्होंने स्थापित किया। उससे पहले की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन सब के नाम मैं नहीं पढ़ सकूंगी, लेकिन जो पढ़ना चाहती हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड डेथ इन पोस्ट वॉर अमेरिकन वीमेन पोइट्स, पोस्ट एलियट पोइट्री, अ वॉइस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू आइसोलेशन, तो ये उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, परंपरा सम्मान, साहित्य सेतु सम्मान, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान, सावित्रीबाई फुले सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान और महादेवी सम्मान और उसके अतिरिक्त अनेक अन्य पुरस्कारों से, सम्मानों से सम्मानित किया गया है। लेकिन किसी भी लेखक या कवि की जो सबसे बड़ी निधि होती है वो होता है उसके पाठकों का प्यार, और अनामिका जी इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि जितना उनकी गंभीरता उनके लेखन से हम सब प्रभावित हैं, उतना ही उनके व्यक्ति रूप को भी हम प्रेम करते हैं। अनामिका जी, इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों का खुलूस आपके साथ है, तो कैसा लगता है आपको? मैं क्या बताऊं, कभी कभी योग्यता के बगैर भी तादात्म्य के कारण प्रेम हो जाता है। साधारण हूँ मैं हर तरह से, और साधारण व्यक्ति की धारकता कभी कभी तादात्म्य क्रिएट कर देती है, अपना लगता है वो व्यक्ति। घरेलू भी हूँ शायद, और क्या बताऊँ, घरेलू होना, कस्बे का होना, ये सभी कारण होते होंगे। और मेरे मन में भी बहुत प्यार भरा है। असल में गपशप करने की आदत, सबसे अंतरंग बातें करने की मेरी गहरी उत्सुकता, ये शायद मुझे ये सुख देती है। मुझे जीवन में कभी धोखा नहीं मिला, और प्रेम मिला है, और मैंने प्रेम बहुत किया है, ये भी है। ये एक तरह की मिट्टी है हमारी, तिरहुत की या साधारण स्त्रियों की, जो ममता के अलावा कुछ जानती नहीं। ममता ही उनके जीवन का केंद्रीय भाव होता है। आपकी रचनाओं में भी जो तमाम स्त्रियां हैं, हाँ, उनके भीतर ऐसी ही ममता है। और जैसे मैं याद करती हूँ तो मौसियाँ, वृद्धाएं, इन सब की तरफ आपका नज़र गई है, यानी स्त्रियों को एक नए रूप में अपनी कविताओं में आपने खोजा है, वो स्त्री संसार जो उसके अंतरंग से बना हुआ है और जो एक सार्वभौम बहनापा वैसे हम कहते हैं, लेकिन एक जो मोहल्ला है जिसमें सब एक दूसरे से अपने सुख दुख साझा कर सकते हैं, तो ये संसार जो आपने अपनी कविताओं में उतारा, इसके बारे में बताइए। आदमी जो देखता है रेखा, उसी से भर जाता है, और अगर गौर से देखता है तो पूरा, ये तस्वीर लेके बैठे हैं, कैमरा लेके बैठे हैं ये लोग कलाकार, तो अंदर कुछ उतरता जाता है, चित्रवीथी सी बनती जाती है।
फिर अंदर एक गांव बन जाता है कुछ किरदारों का। अब वही लोग टहलने लगते हैं, वही बोलने लगते हैं, आदमी तो सिर्फ माध्यम रह जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। तो अहंकार का घड़ा, पिताजी कहते थे, फूट जाए तो ही बूंद समुद्र में मिल जाती, अंतर्घट का पानी बृहत्तर पानी में मिल जाता है। ये सीमाओं का टूट जाना। अनामिका जी, ये जो बात अभी आपने कही, ये बिल्कुल भारतीय लोक परंपरा से आती है, मतलब हमारी ज्ञान की परंपरा भी यही है और हमारी लोक की परंपरा भी यही है। तो कैसे किया आपने कि खास तौर पे, मतलब स्त्री लेखन, स्त्रीवाद की आवाज़ बहुत कहा जाता था कि पश्चिम की आवाज़ है, लेकिन कैसे आपने अपनी रचनाओं के भीतर पूरे भारतीय लोक साहित्य का एक संसार बसाया और इन कविताओं की जो ऊर्जा है वो ठेठ हिंदुस्तानी औरतों की जो ताकत है उससे आती है? अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि योजनाबद्ध ढंग से ऐसा नहीं हुआ। मैं जब यहाँ एमए करने आई अपने मुजफ्फरपुर के शुरू के 20 साल बिताने के बाद, 20 साल मेरे जो शुरू के बीते हैं वो ऐसे परिवेश में बीते हैं जहाँ मुझे ये चेतना भी नहीं थी कि स्त्रियाँ जो हैं वो बहुविध शोषण का उनकी देह जो है वो आधार पीठिका है। मेरे पिता ने, जो कि एक मतलब प्रेम करने वाले पिता थे, या मेरे परिवेश ने मुझे, जैसे आप, यह एहसास ही नहीं होने दिया कि स्त्रियों को दोयम दर्जे की नागरिकता प्राप्त है। वो जैसे पिताजी खुद मुझे दादी माँ कहते थे और मुझे सबसे गपशप करने का एक मतलब मुझे था, मतलब संसार मेरे सामने खुला हुआ था, सबसे पूरा मोहल्ला ही एक संयुक्त परिवार था, जिस मल्टीपल मदरिंग की बात मैंने तुमसे पहले भी की है। वो हमारे कब लगता ही नहीं था कि माँ मेरी थी, लेकिन पूरा आंचल, जैसे जैसे मैं पढ़ने आई तो पूरा मोहल्ला ही पहुँचाने आया। वैशाली एक्सप्रेस पकड़ के हम आते थे यहाँ, तो पूरा मोहल्ला रो रहा था। इतना अंतरंग एक समाज होता है। मुझे लगता है कि पंत जब कहते थे भारत माता ग्रामवासिनी, वो पहले की बात थी। अब कस्बे ही भारत का हृदय है। शहर और गांव के बीच की जो एक स्थिति होती है, जैसे मध्य वर्ग एक तरह का हाइफन है, है ना, दो ध्रुवों को जोड़ता है, उसी तरह से कस्बे एक तरह का हाइफन है, नगरों और ग्रामीण संवेदनाओं को जोड़ते हैं। तो मैं उस लोकेल में पैदा हुई जहाँ मुझमें परायेपन का एहसास नहीं था, और जिसे हम पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग कहते हैं, मुझे उसका भी एहसास नहीं था। तुम्हें भी मालूम होगा, मध्यवर्गीय स्त्रियों को पालते ऐसे हैं, खासकर कस्बों में, कि जैसे योगक्षेम वहाँ में हम, जैसे LIC का लोगो होता है ना, दोनों तरफ से हाथ लगा के दिए को बचाए जा रहे हैं, हवा ही नहीं लगने दी संसार की। तो समझ में नहीं आया। विश्व साहित्य पापा पढ़ के सुनाते थे, माँ भी किताबों ही किताबें थीं, और जो लोग मिलने आते थे उनके जीवन में क्या दुख है, उनके दुख की जड़ी कहाँ है। ये MA के बाद जब मैं हॉस्टल में यहाँ आई ना, तो मुझे हर कमरे में एक कहानी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल था, तो हर कमरे में एक कहानी थी, एक अलग तरह की कविता। मुझे शौक तो बहुत लगा, बहुत तरह के धक्के लगे, लेकिन ग्रोइंग अप पेन भी होता है। तब मैंने रिसर्च शुरू की और उसके बाद मुझे थियोरेटिकल फ्रेमिंग अपनी अनुभूतियों की समझ में आई। शुरू में मुझे अनुभूतियाँ ही अनुभूतियाँ थीं और अंतरंगता का विस्तार था। मुझे ये तो पता था कि अहंकार कि पोरस बाउंड्री हो, उसको तोड़ना है, इतने संस्कार तो थे, लेकिन इसका पॉलिटिकल फ्रेमिंग क्या होता है, ये मैंने जब सिल्विया प्लाथ वगैरह पर काम करना शुरू किया, तब मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, ये विश्व की समस्या है, और स्त्रियां जो हैं वो उनका शरीर जो है बहुत तरह के शोषण का शिकार है, और बहनापे जैसा कोई जज्बा विकसित किए बिना हम एक नए तरह का संसार विकसित नहीं कर सकते। आपने बड़ी
अहम बात को बहुत सादगी से कह दिया कि ये जो एक एहसास है कि अदरिंग ना हो, कोई दूसरा नहीं। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ रेखा, इस सिकंदर से जो सिकंदर से पोरस ने जो कहा था कि हे अलेक्जेंडर, मुझसे ऐसा व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे से करता है। दलित तथाकथित पिछड़ी जातियाँ, स्त्रियाँ, अल्पसंख्यक, सबके सब यही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये एक राजा जैसे दूसरे राजा से एक तरह से व्यवहार करो और क्या, हमें भी इंसान समझो। मैं उन दिनों की एक बात अपने साथियों से, दर्शकों से साझा करना चाहती हूँ। मेरी जो पहली मुलाकात अनामिका जी से हुई थी वो एक DTC की बस में हुई थी, और तब मैं MA में पढ़ती थी, अनामिका जी शायद PhD कर रही होंगी, और मैं एक सीट पे बैठ के एक किताब पढ़ रही थी और बहुत डूब के पढ़ रही थी। अनामिका जी बस में चढ़ी और मेरे साथ वाली सीट पे बैठ गई, और तब हम एक दूसरे को इस तरह से नहीं जानते थे, लेकिन जब मैंने इनकी तरफ देखा तो मुझे लगा कि अरे ये तो वही हैं जो हमारी क्लास में आकर जिन्होंने एक दिन कविता सुनाई थी। रामदर्श मिश्र जी हमारे टीचर थे और साहित्य सभा के सलाहकार, तो एक दिन उन्होंने इन्हें बुलाया था और इन्होंने हमारे सामने कविता पढ़ी थी, और वो कविता भी मुझे याद है। और मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें अब तक याद होगी, और हमें अनामिका जी का वो चेहरा भी याद है कि इतनी लंबी इनकी चोटी थी, हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम कविता सुने या अनामिका जी को देखें। तो क्या मैं अनुरोध करूं कि आप वो चुटपुटिया बटन वाली कविता सुनाएं? हाँ, ये विस्थापन के दिनों की कविता है। जब छोटा शहर छोड़कर हम बड़े शहर में आते हैं तो कैसा लगता है, विलगाव बोध का एक अलग तरह का वो है। तुमने कहा तो मैं ले आई हूँ वो कविता, शुरुआती है, मेरे MA के दिनों की है। मेरा भाई मुझे समझा कर कहता था, जानती है पूनम, तारे हैं चुटपुटिया बटन रात के अंगरखे में टके हुए, मेरी तरफ प्रेस बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, क्योंकि चुट से केवल एक बार पुट बजकर एक दूसरे में समा जाते थे वे। वे तभी तक होते थे काम के जब तक उनका साथ ही चारों खूंटों से बराबर उनके बिल्कुल सामने रहे टका हुआ, ऊंच नीच के दर्शन में उनका कोई विश्वास नहीं था, बराबरी के वे कायल थे, फंसते थे न फंसाते थे, चुपचाप सट जाते थे। मेरी तरफ प्रेस बटन को चुटपुटिया बटन कहा जाता था, लेकिन मेरी तरफ के लोग खुद भी थे चुटपुटिया बटन की तरह चुट से पुट बजकर सट जाने वाले। इस शहर में लेकिन चुटपुटिया नजर ही नहीं आते, सतपुतिया झिगुनी की तरह यहाँ एक सिरे से गायब हैं चुटपुटिया जन और बटन। ब्लाउज में भी दर्जी देता है टांक यहाँ हुक ही हुक, हर हुक के आगे विराजमान होता है फंदा, फंदे में फंसे हुए आपस में कितना सटेंगे, कितना भी कीजिए जतन, चुट से पुट नहीं ही बजेंगे। बहुत बढ़िया अनामिका दी, यही एक खास बात है कि कविता चुटपुटिया बटन, जिसे हमारे यहाँ टिच बटन कहते थे, उसके बारे में है, जिसे आप प्रेस बटन कह रही हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो साधारण सी बात है कि टिच बटन या चुटपुटिया बटन और हुक का जो अंतर है, उसे आपने एक बड़े मानवीय अनुभव के फलक पर उतार दिया कि बराबरी के वो कायल हैं, चारों खूंटों से साथ बंधे रहते हैं, और उसके बरक्स जो हुक हैं वो एक फंदे की तरह एक दूसरे में फंसे रहते हैं। तो ये जो कविता रचने की प्रक्रिया है कि एक छोटे से, आपने कहा ना मेरे पास अनुभव ही अनुभव थे,
तो ये अनुभव की पिटारी को ऐसे बड़े बड़े मानवीय सवाल बनाकर कविता में प्रस्तुत कर देने की जो कला है आपकी, वो कैसे संभव हुई? मैंने कहा रेखा, मुझे झप्पी लगाना आता था। छोटे शहर के संस्कार थे, हम लोग गले गले मिलना जानते थे, तो मुझे लगता है कि कॉस्मिक और कॉमन प्लेस की झप्पी लगा दी हमने। और क्या किया, यह भी एक तरह का बहनापा है कि जो बृहत्तर फलक पर चांद तारे बिखरे हैं, कॉस्मिक रियलिटी है, और जो एकदम सामान्य चीज़ें हैं उनके बीच का पदानुक्रम टूट जाए, मेरा ये दर्शन रहा होगा। लेकिन जो साहित्यकार होते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारी प्रेरणा है, या इनसे हमने कविता कला के बहुत से गुण सीखे, तो आपकी ऐसी कोई प्रेरणा थी? वो तो पिताजी मेरे स्वयं कवि थे, और श्याम नंदन किशोर, और रात को वो मुझे रोज़, हम दोनों भाई बहनों को वो रोज़ विशु से अच्छी कविताएं, अपनी कविताएं गाते हुए सुनाते थे, विशु से अच्छी कविताएं सुनाते थे, अनुवाद करने को वो एक पत्रिका थी तो उसमें अनाख मतोबा की का सबसे पहले अनुवाद उन्होंने कराया था। यहाँ उनके एक मित्र थे केदारनाथ सिंह जी, उनका भी हमारे घर आना जाना था, तो बचपन से हमने उनको भी देखा सुना था, तो इन दोनों की कविताओं का प्रभाव हम पर स्वाभाविक है, बचपन से पड़ा, और इन लोगों ने विश्व कविता के सामने से मेरा परिचय कराया भारतीय कविता से, अनुवाद के माध्यम से। वो छोटे थे, हम लोग तब से वो देते रहे थे। आपने तो, केदार जी की बात की, केदार जी ने आपकी कविताओं के बारे में लिखा है जी, कि जिस तरह की क्रीड़ा वृत्ति है उसमें, जो भाषा का खेल बनता है, वो अपने आप में अन्यतम है, तो वो भाषा का क्या खेल है, कैसे बताएंगे आप उसे? भाषा एक रणभूमि भी है और एक लीला भूमि भी है। कविता में सच जो है वो तितली के पांवों, तितली के पंखों की तरह हल्के हल्के उड़ता है, वो अंगद पांवों से थप थप करके नहीं चलता। तो इसलिए बड़ी से बड़ी बात कहनी है तो एकदम सहज भाव से कहनी होती है, घरेलू बिंबों के माध्यम से। ये मैंने एक माँ के रूप में भी जाना, जैसे बच्चों को, और एक टीचर के रूप में भी जाना, ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही बन गया। पिताजी भी ऐसे ही समझाते थे, तो वो और मुझे भी ऐसा ही समझाना आया कि बड़ी बात अगर बड़ा बहुत भारी करके उसको समझाएंगे, बड़ा मुँह लटक सिंह बन के समझाएंगे, तो बच्चे ग्रहण नहीं करेंगे। उन्हें तो इस तरह से उनके भीतर उसको जानने, जैसे तितलियाँ उड़ती हैं वैसे सत्य उनके भीतर के आकाश में प्रवेश करें। ये तो हर माँ के पास ये ट्रेनिंग होती है मुझे लगता है। लेकिन आपके पास तो ये ट्रेनिंग भी है कि आप दलाई लामा पर जब कविता लिखती हैं तो दलाई लामा के बचपन के रूप को भी देख लेती हैं कि वो कैसे दूध पीते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने ना, हम लोगों के समय में हम छोटे थे तो तिकोन एक देरफो के साइन जैसा बनता था, तो मैं दलाई लामा को सचमुच सुनने गई तो उनका ऐसे करके उन्होंने जब हाथ उठाया तो मुझे पांच का टीका वो दिखाई दे गया। तो मुझे एकदम लगा कि अरे ये बड़ी बात है, कहने वाला आदमी बच्चा भी होगा, कभी खुद भी दूध पलाई उठा के उसने पी होगी, कभी ना कैसे स्वेटर से पूछ तो माँ उस समय मेरे नया नया मतलब मैं माँ बनी थी तो मेरे दिमाग में वही बिंब रहते होंगे, तो उसके देख के मुझे वही बच्चे याद आ गए। अब ये तो स्वाभाविक है। आपको अपने बचपन की कौन सी खास याद है, किसी बचपन की कोई ऐसी घटना याद है जिसने बहुत, मतलब जिसमें बहुत मजा आया हो या बहुत प्रभाव? हाँ, मैं एक बार ना एक महीने के लिए मुझे न्यूमोनिया हो गया था, तो मुझे एकदम घर में बंद रखा था माता पिता ने, तो उसके बाद एक दिन आंधी आई। मुझे आंधी बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि सारे बंधन टूट रहे हैं और पूरी प्रकृति जाग रही है, तो मुझे आंधी, मैं जब आंधी आई और मुझे दिखाई पड़ा कि सुनाई पड़ी आंधी कि सर पटक रही है मेरी खिड़की पे, तो मैं एकदम से उठ के एक बार बोली, पापा अब तो मुझे आंधी दिखा दीजिए, आप मुझे आंधी देखनी है। मेरी माँ मना करती रह गई, लेकिन पापा मेरी जिद के आके अपने ओवर कोट में मुझे ऐसे छुपा के आंधी दिखाने ले गए, और इतने दिन की कन्फाइनमेंट के बाद मैंने पहली दफ़ा पूरा उद्दाम रूप में प्रकृति देखी, तो मेरे भीतर वो आंधी अभी भी
मेरे भीतर लगता है कि वो ठहर गई है। कभी भी मैं दुखी होती हूँ तो मुझे उसी आंधी में उड़ता हुआ पत्ता, उड़ती हुई फटी हुई चिट्ठियाँ एक बड़े रूपक की तरह मेरे भीतर ठहर गई हैं। जब मैंने उपन्यास लिखा था ना तिनका तिनके पास, उसमें भी कबीर दास का एक एक बिंब है, तिन उठा उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। ये कितना अच्छा कि प्रेम का बगुला उठता है और तिनका दो दिन के साथ साथ उड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए आकाश में वो सटके रहते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। वैसे ही देखोगी नदी में जब दो दीप प्रवाहित होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं फिर अलग हो जाते। प्रेम का ये बहुत बड़ा रूपक था और मुझे आंधी और प्रेम दोनों एकदम से बहुत ही क्रांति की तरह लगते हैं मुझे बहुत। और हम लोग जिस बचपन में बड़े हुए थे, रूसी लोक कथाएं पढ़ते हुए और पीपीएच की किताबें उस समय मोबाइल वैन्स में आती थी, मतलब सारा रूसी साहित्य अनुवाद में आता था, तो रूस के लिए भी एक मन में बहुत ही बड़ी सी इमेज थी। तो मुझे उस समय लगता था कि कुछ होने वाला है, तो आंधी मुझे बहुत सारी उम्मीदें जगाती। वो दृश्य मेरे भीतर एक एपिफनी की तरह रह गया है। अनामिका जी, आपके सामने बैठे हुए मैं महसूस कर रही हूँ कि आपकी कविताओं में जो बिंब बनते हैं, जितने वो दृश्य बिंब होते हैं उतने ही वो सुनाई देते हैं। अगर यकीन जानिए कि आपकी कविताओं का पाठ किया जाए, आंख बंद करके उस कविता को सुना जाए, वैसे ये कविता पढ़ने की बहुत अच्छी, अगर आप कविता को महसूस करना चाहते हैं तो आंख बंद करके केवल उसे सुनिए। तो जैसे आप कह रही ना, मुझे आंधी सुनाई दे रही थी, सुनाई देती थी, तो ये जो सुना, ये जो आपको सुनाई देता है, हाँ। वो कविता में भी उतरता जाता है। हाँ, गौर करना, मुझे गौर से देखना और सुनना आता है, ये ही एक चीज है जो मुझे आती है। जैसे वो कमर धनिया कविता आप लिखती हैं तो आपको उसकी रुंझुन रुंझुन सुनाई देती है। हाँ, मेरे भीतर रह जाती है, अनुभूति ठहर जाती है मेरे भीतर। ये तो है, मेरा मन शायद कोई अंधा कुआं है, उसमें बहुत सारी अनुभूति रुकी हुई। आपने स्त्री भाषा के लिए विट और ह्यूमर की बहुत बात की है, तो उस पर मतलब ये सारे जो अनुभव है ये कविता की भाषा में जब उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? पता नहीं कैसे उतरते हैं आदमी, मैंने कहा मैं शून्य ही हो जाती हूँ। और जिसको मतलब वो जो मेरी जो छायाएं मैंने दे, छाया चित्र मेरे भीतर छायाएं उड़ती रहती हैं और कुछ अनुभूजे बोलती रहती हैं। अब वो दोनों आपस में कैसे गूंथ जाती हैं, मिल क्या क्या कैसे उतर आती हैं साथ में, इसका पहला ड्राफ्ट जो होता है वो अवचेतन के धरातल पर बनता है, तो मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं कह सकती। बाद में जब उसको उपलब्ध कराना होता है, तो जैसे तुम रोटी बनाती हो तो थोड़ी देर के लिए आटा गूंथ के छोड़ देती हो ना, तब रोटी मुलायम बनती, तो पहला ड्राफ्ट जो अवचेतन के धरातल पर बना, या मैंने यूं ही कभी माध्यम बन के वो लिखा, वो मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैंने तो ये किया नहीं है, कहाँ से आया। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लगता है कि हाँ इस पे काम, जैसे चना बांध के छोड़ देते तो अंकुर आ जाता है, तो उसी तरह से वो कविताओं में फिर बिंब जो होते हैं, वो जो उतरे हुए बिंब होते हैं, वो मैं धीरे धीरे उसको एडिट करती हूँ। अनामिका जी, आपने यात्राएं की हैं? हाँ की हैं, अंतर यात्राएं बहुत की हैं, यात्राएं भी की हैं थोड़ी सी। तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है, पहाड़ या समंदर? समंदर पसंद है, और मैन फ्राइडे और रॉबिन्सन क्रूसो की तरह किसी टापू पर बैठे हुए ही लहरों से संवाद करना पसंद है, और अगर दूर पर कोई पहाड़ भी दिख रहा हो तो अच्छा है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। लेकिन पहाड़ मुझे करीब से थोड़े ज़्यादा रहस्यमय लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा जीवन इतने रहस्यों से घिरा रहे। समुद्र अगाध लगता है लेकिन अपना लगता है। तो आप तो जो भी लिखती हैं उसके लिए अनुभव बटोरने कहाँ कहाँ जाती हैं। आपने निज़ामुद्दीन पर कविताएं भी लिखी और निज़ामुद्दीन बस्ती जाने की जो बातें लिखी, और फिर आईना साज उपन्यास लिखा जिसमें एक इतना बड़ा फलक है कि अमीर खुसरो के वक्त को भी आप याद कर रही हैं, और जो आज के जो समकालीन
वो लड़का लड़की हैं जो वहाँ जाते हैं और ज़िंदगी जीते हैं और उनकी ज़िंदगी में कुछ कुछ वैसे ही घट रहा है, तो ये जो सारी यात्रा है, अंतर यात्रा और बाहर की यात्रा, ये सब कैसे घटित हुई? मेरा मन करता है कि मैं पनडुब्बी की तरह प्रवेश कर जाऊँ हर व्यक्ति जो सामने बैठा उसके उसके भीतर के समुंदर में। एक खरहा होता था ना, जब विश्व युद्ध में खरहों को पनडुब्बी के भीतर भेजते थे और उनके कान राडार का काम करते थे। मेरा मन करता था कि मैं वो खरहा बन जाऊं और जो भी सामने मेरे बैठा है उसके भीतर, जो समुंदर है उसके भीतर मैं चली जाऊं और उसके भीतर राडार की तरह मैं सारी आर्टें चुनूं सुनूं। तो इससे मुझे गप करना अच्छा लगता है और अंतर, मुझे औपचारिक बातें करना आता नहीं है तो मैं इससे भी बात करती हूँ अंतरंग ही, उसकी स्मृतियों में उतर कर। मुझे ये सचमुच मेरे जीवन का क्वेस्ट है कि उसके भीतर के पहाड़, उसके भीतर की गुफाएं, उसके भीतर की समुंदर के जो अंदर का जगत है वो मैं समझूं। मैं उसके बहाने में जीवन के सूत्र समझना चाहती हूँ। तो अमीर खुसरो, हमारा मुजफ्फरपुर भी दाता की दरगाहों का सिलसिला, उसी चिश्तिया उसका सिलसिला था, वहाँ भी हमारे घर के पीछे ही एक मज़ार था। तो हमें नातियाँ कवालियाँ सुनते हुई पढ़ी हुई, मेरे नाना और दादा दोनों दोस्त थे और वहाँ वो सुनते सुनने जाया करते थे, तो बचपन में हमारी वो भी स्मृतियाँ हैं। तो यहाँ पर अब जब सभ्यताओं के संघर्ष की बात शुरू हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि सभ्यताओं का संवाद ज़रूरी है और सूफियों के समय और भक्त कवियों के समय ये सभ्यताओं का संवाद पहली बार घटा। तो मुझे लगा कि अपने यहाँ धर्म को विद्वेष फैलाना, जो कि प्रेम फैलाने के लिए होता था जगत, उसको विद्वेष फैलाने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो उस समय की एक कहानी उठाऊं और अपने समय से उसे जोड़ूं, जहाँ दो सभ्यताएं ही नैना मिलाती हुई कहती हैं कि अपने ही रंग रंग लीली ने तो उसे नैना मिला के, ये दो संस्कृतियाँ हैं जो नैना मिला रही हैं और एक दूसरे को अपने रंग में रंग रही हैं। जैसे राधा कृष्ण को गीत गोविंदन में राधा कृष्ण के कपड़े पहन लेते, कृष्ण राधा के कपड़े। तो ये जो एक्सचेंज है, ये मल्टीप्लिसिटी जो है, ये पॉलीसेंट्रिक जो हमारा नेशनलिज्म है, सब तरफ खिड़कियाँ खोलता हुआ जो हमारा विश्व है, इसमें के सूफियाना दृष्टि ही काम आएगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो ही है जो हमारे वजूद की खिड़कियाँ खोलेगी और हमें उस पार ले जाएगी जब हमें कोई पराया नहीं दिखेगा। दोस्तों, अनामिका जी जो कह रही हैं, यही विश्व रंग है जहाँ सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं, सूफियाना रंग। तो विश्व रंग की परिकल्पना भी इसीलिए की गई है कि सारे रंग एक साथ मिलें। तो बिल्कुल अंत में, जो आपके युवा साथी हैं या जो छात्र हैं, वो जो आपको इतना प्रेम करते हैं, उनके लिए आप अंत में कोई कुछ एक बात कहना चाहेंगी? मैं यही कहती हूँ, मैं देखती हूँ अपने छात्रों को, सूफियाने गाने उनमें कितनी जगह, पूरी वोकैबुलरी गाने की बदल गई है। इसका मतलब उनके भीतर भी प्रेम की तलाश है और उनके भीतर एक भेदभाव की संरचना तोड़ देने की तलाश है, इसलिए उनको सूफियाना रंग में रंगना बहुत ज़रूरी है। उनको उनकी स्मृतियों में, वैयक्तिक स्मृतियों में और जातीय स्मृतियों में उतारना बहुत ज़रूरी है, ताकि चेतना की गहराई बढ़े और वो निस्सीम हो जाएं और उन लोगों में एक जो जनतांत्रिक गपशप की ट्रेनिंग मिल गई है उनको, वो चाहे तो उसी तरह से सारी निस्सीमता इसके बहाने हासिल कर सकते हैं। ये जो हमारे नवल पुरुष होंगे, उन्हें कोई घेरेबंदी नहीं बांधेगी, वो एक दोस्त समाज में रहने वाले दोस्त पुरुष होंगे। तो दोस्तों, ये दोस्ती बनी रहे, प्रेम का ये रंग बना रहे और विश्व रंग का सिलसिला चलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। विश्व रंग 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं। लगातार आपके साथ जुड़ाव और प्यार बना हुआ है। उम्मीद है विश्व रंग 2020 का हर रंग आप तक बखूबी पहुंच रहा होगा। आइए अब आपको ले चलते हैं
आदिवासी साहित्य की एक ऐसी बैठक में जो आपके जीवन का अलग अनुभव होगी। हमारे अतिथि हैं आदिवासी साहित्य विलक्षण पहचान के युवा कवि, गद्यकार और विचारक अनुज लगुन और सर्वाधिक प्रतिष्ठित आदिवासी साहित्य के विद्वान महादेव टोप्पो। झारखंड के आदिवासी साहित्य में वो आधुनिक अर्थदृष्टि के सूत्रधार हैं। दोस्तों साथियों, ये संवाद एक अदृश्य आदिवासी जगत से साक्षात्कार करवाएगा आपको। अब विलंब काहे का, आइए चलते हैं। विश्वरंग लेखक से मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज लेखक से मिलिए कार्यक्रम में आप रूबरू होने जा रहे हैं आदिवासी क्षेत्र के साहित्यकारों महादेव टोप्पो और अनुज लगुन जी से। वरिष्ठ साहित्यकार महादेव टोप्पो हिंदी में सीधे लिखने वाले पहले पंक्ति के आदिवासी लेखक व विचारक हैं। धर्मयुग, सारिका, दिनमान आदि पत्रिकाओं के समय से लेखन कर रहे हैं। जंगल पहाड़ के पाठ काव्य संग्रह तथा सभ्यों के बीच आदिवासी वैचारिक पुस्तक प्रकाशित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज लगुन समकालीन युवा हिंदी कविता में एक चर्चित व प्रतिष्ठित नाम है। विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए इन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कविता के लिए भारत भूषण पुरस्कार भी प्राप्त है। अनुज जी का काव्य संग्रह आघोषित उलगुलान शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब अनुज जी से मेरा आग्रह है कि वो आगे का कार्यभार संभालें और अपनी बातचीत, अपना संवाद प्रारंभ करें। जी शुक्रिया मैम। महादेव जी आपका स्वागत है और हम सीधे प्रश्न लेकर आते हैं आपके सामने। आजकल साहित्य में सामाजिक विमर्श का दौर चल रहा है और हम सामाजिक विमर्शों में स्त्रियों का लेखन देख रहे हैं, दलित लेखन देख रहे हैं, इसी के साथ आदिवासी लेखन भी उभर कर सामने आया है और साथ ही साथ जो थर्ड जेंडर की बात आ रही है वो भी डिस्कोर्स में शामिल हो चुकी है। तो मौजूदा जो साहित्य का परिदृश्य है इस तरह से एक विमर्शों का परिदृश्य बना रहा है। तो इन सारे परिदृश्यों के बीच में आदिवासी लेखन की शुरुआत हम कैसे मानेंगे, हम कहाँ से मानेंगे? क्या हम कोई एक तिथि बना सकते हैं, कोई एक ऐसी परिघटना को रेखांकित कर सकते हैं जहां हम ये कह सके कि आदिवासी लेखन का यह प्रस्थान बिंदु है? जोहार। और रविंद्रनाथ विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित करने और मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुज जी, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी वर्तमान खोज का दौर चल रहा है तो उसमें सबसे पहले इधर एक बात उभर कर आई है कि जो मुंडारी में है ना, मुंडारी में 1920 आसपास से लेखन शुरू हो गया था। तो मेरा मानना है कि 1920 के आसपास, मतलब 1912-14 के आसपास झारखंड में, खास करके झारखंड में ये कुछ पत्रकारिता वगैरह के काम हो चुके थे और 20 के बाद जो है कई सारी जो पत्रिकाएं थी यहाँ पर कुछ कुछ छिटपुट प्रयास होने लगे थे, लेकिन वो जो व्यवस्थित ढंग से जाकर वो 1938-40 के बाद जो है जो झारखंड आंदोलन आरंभ होता है आदिवासी महासभा वगैरह का, तो उस समय से पत्रिकाओं में आदिवासियों का गीत वगैरह आते हैं और उस समय सामाज जी हैं, सुशीला सामाज जी का ऐसा बताएगा कि एक कविता संग्रह आया है। उसके बाद में फिर आगे दौर जाता है 1947 आजादी के बाद जो है आदिवासी अपने आवाज उठाने लगते हैं और वो झारखंड आंदोलन भी तेजी से बढ़ता जाता है। तो उसमें ये मैं अभी यहाँ पर झारखंड की बात को जोड़ रहा हूँ और फिर ये 1980 के आसपास ये जरा प्रखर होता है। 1980 के आसपास प्रखर इसलिए होता है कि 1977 में इमरजेंसी के बाद क्या हुआ कि
जितने भी आदिवासी दलित या उस समय इमरजेंसी के बाद जो नई किस्म की जो पत्रकारिता आई, तो नई किस्म की जो पत्रकारिता आई, पत्रकारिता में एक नई तरह की चेतना उभार में आई। और उस समय क्या हुआ कि दलित आदिवासियों की जो आवाजें अब तक नहीं सुनी जा रही थी, वो चाहे मुख्य धारा की पत्रिकाएं हों या दूसरी हों, उस पत्रिकाओं में कुछ कुछ स्थान पाने लगे। तो कुछ कुछ स्थान पाने लगे, लेकिन तब भी उसमें आदिवासी खुद ऐसा लिखते हुए नहीं दिख रहे थे। वो लिख रहे थे लेकिन वो खुद नहीं लिख रहे थे। तो वो 1980 के आसपास या 80 के बाद से ये दौर शुरू होता है कि आदिवासी लिखते हैं। और उस समय क्या होता है कि महाराष्ट्र में दलित आंदोलन भी चलता है, और 1983-84 में महाराष्ट्र में आदिवासी साहित्य जो है उसकी कुछ सभाएं होने लगती हैं, भुजंग मेश्राम वगैरह के और दूसरे कुछ लोग थे। लेकिन इसी बीच धर्मयुग और दिनमान जैसे पत्रिकाओं ने 1980-81 के आसपास आदिवासी विशेषांक प्रकाशित किए थे। तो मुझे लगता है कि वो जो दिनमान और धर्मयुग जैसे पत्रिकाओं ने 80 और 81 के समय में जो आदिवासी विशेषांक प्रकाशित किए थे, तो संभवतः उस दौर से एक नई तरह की चेतना है। और उसी समय झारखंड में क्या है कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच काम कर रहा था, आदिवासी वीर भारत तलवार और रोज क्रिकेटा और ये बहुत सारे लोग थे। और उस समय ये जो है हमारे झारखंड में क्षेत्रीय आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषा विकास भूप खुल चुका था और रामदयाल मुंडा जी आ चुके थे, और वो उनकी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी थी। तो 1980 के समय से एक मुझे लगता है कि वो एक नया दौर जिसमें कि आदिवासी खुद अपनी बातों के साथ अपनी बातों को प्रभावी ढंग से हर स्तर पर कहने का प्रयास करता हुआ दिखता है। अच्छा, तो ये अपने महत्वपूर्ण तिथियों, हाँ जी जी, महत्वपूर्ण तिथियों को आपने रेखांकित किया है। जैसा कि आपने कहा कि 1920 के आसपास से ही आदिवासी चेतना राजनीति में, समाज में उभर कर आने लगी थी, और खास तौर से जब आदिवासी महासभा के द्वारा जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसे हम देखते हैं कि आदिवासी महासभा का जो आंदोलन था, जो झारखंड आंदोलन के रूप में उसने चीजों को संगठित किया, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने सामने लाया आदिवासी समाज के बीच से, एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही मानी जाएगी हमारे इस लोकतंत्र के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ इस बात का जिक्र भी कर देना चाहिए कि आदिवासी महासभा के जो बड़े नेतृत्वकर्ता थे, खासतौर से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा जी का जिक्र करते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा जी और गांधी के बीच एक अलग तरह के डिस्कोर्स और मतभेद थे, इस चीज का भी हमें उल्लेख करना चाहिए। तो जो बात आपने कही, वो जो दौर है झारखंड आंदोलन का, आदिवासी महासभा के आंदोलन का, उसकी एक वैचारिक चेतना लोगों के बीच पहुंच रही है और वो साहित्य लेखन को प्रभावित कर रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपने रेखांकित की है। इसी के साथ आपने एक और बात कही, वो ये है कि धर्मयुग और जो दिनमान पत्रिकाएं हैं, ये आदिवासी विशेषांक प्रकाशित कर रहे हैं। और जहां तक मुझे ध्यान है कि यही वो दशक है जहां जो मुख्यधारा की पत्रिकाएं हैं या बड़ी पत्रिकाएं हैं, वे दलित विशेषांक भी प्रकाशित कर रही हैं। जैसे 1975 में सारिका ने एक दलित विशेषांक प्रकाशित किया था, मुझे लगता है कि वो पहला दलित विशेषांक था जो कि मराठी दलित लेखन पर आधारित था। तो आपने एक जरूरी बात चिन्हित की है कि 80-84 के आसपास मराठी में आदिवासी लेखन के लिए साहित्य सम्मेलन होता है, आपने भुजंग मेश्राम जी का जिक्र किया। तो क्या हम इसको ऐसे माने कि जो हिंदी में जो आदिवासी साहित्य लेखन तो है, और भी बहुत, क्या मराठी से थोड़ा बहुत प्रेरित और प्रभावित है, क्या हम इसको इस तरह से ले सकते हैं? 80 में जैसे रामदयाल मुंडा जी हुआ, या उस समय ग्रेस देवी भी वो आदिवासी चेतना की, उसकी भी कविताएं वगैरह सब आ रही थी आदिवासी जीवन से संबंधित, है ना।
और मैं भी लिख रहा था, लेकिन कविताएं नहीं लिख रहा था, लेकिन लेख वगैरह लिख रहा था। और मेरा पूरा लेखन मैं आदिवासी और झारखंड पर ही किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ उसके समानांतर या उसके अलग तरह की चेतना जो मराठी से प्रेरित नहीं थी, लेकिन वो बाद में जो है 85-86 के बाद में उनका संपर्क होता है, वो लोग जानते हैं। मुझे भी महाराष्ट्र से निमंत्रण आया था ये 85-86 के आसपास, इसलिए मैं याद करता हूँ। तो ये सारी चीजें उधर आने लगी और उसके बाद में बातें बढ़ने लगी और 90 आते आते कुछ जन, लेकिन मुख्य धारा के पत्रिकाओं में आदिवासी नहीं छपते थे। जैसे मैं भी कहीं भेजता था तो मेरी रचनाएं प्राय नहीं छपती थी, है ना, लेकिन कहीं भी छपती थी, जैसे धर्मयुग वगैरह ने मेरे लेख छाप दिए, लेकिन और दूसरी जगह नहीं छप रहे थे। तो फिर बहुत निराश होकर मैंने लगभग 8 साल तक चिंतन किया कि मुझे क्यों लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, और अंततः जब मैं वो उससे उसका जवाब मुझे मिल गया, तो फिर मैं 90 से फिर लगातार अब लिखना शुरू किया। और वो सारा कुछ हमने आदिवासियों से संबंधित उनकी भाषा संस्कृति या हमारे और कुछ मित्र थे उन सभी लोगों ने, या और उसके उस समय क्या हुआ कि 80 के आसपास देखेंगे कि बहुत सारी पत्रिकाएं वो हिंदी में आ गए, और उस समय देखिए समकालीन जनमत जैसी पत्रिका वो साप्ताहिक निकलती थी और वो बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग में बहुत ही पढ़ी जा रही थी, और उसमें बहुत सारी आदिवासी समस्याओं को या दलित समस्याओं को भी रेखांकित की जा रही थी। लेकिन हमारा जो लेखक समुदाय है शायद मुख्य धारा की चीजों में उतना लिखना नहीं चाह रहा था। वो 90-95 के बाद शुरू होता है, जब प्रभात खबर पे बहुत सारी चीजें स्थानीय लोगों का, हमारे लेखक सब हर तरह के लेखक वहाँ छपने लगे, तो ऐसा लगता है कि प्रभात खबर जो यहाँ है, जो उस समय का प्रभात खबर, उसने यहाँ की आवाज को जरूर सुनने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, तो यानी हम जो लंबा समय लेते हैं, जैसे कि हम ये मान रहे हैं कि 20वीं शताब्दी का जो शुरुआती दशक है, यानी 1920-25 के आसपास जो बातें शुरू हो रही हैं, फिर हम सीधे 1990-95 के दौर में जा रहे हैं, तो यानी आप जो कह रहे हैं कि जो एक समानांतर पत्रिकाएं शुरू हुई, जो मेन स्ट्रीम के जो मीडिया थे उसके समानांतर, वैसे एक संघर्ष भी रहा है, एक आंदोलन भी रहा है लघु पत्रिकाओं का, एक दौर चला हिंदी में लघु पत्रिकाओं के आंदोलन का, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें खास तौर से जो बड़े बड़ी जो पत्रिकाएं थी, जैसे दिनमान हो गए, धर्मयुग हो गए, इसके समानांतर एक छोटी पत्रिकाओं का आंदोलन चला। अभी तो हम लेखन की बात कर रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि आदिवासी लेखन किस तरह से उभर रहा है, ये शुरू हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो डिस्कोर्स की जो बात आती है, विमर्श की बात आती है, विमर्श की बात को हम कब से रेखांकित करेंगे? क्या हम उन्हें शुरुआती दिनों के लेखन से ही हम डिस्कोर्स की बात करेंगे, या बाद के दिनों में जो लेखन आया, बाद के दिनों की जो पत्रिकाएं आई उन्होंने जगह दी, यहां से एक डिस्कोर्स शुरू होता है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि शुरू से ही, अगर मान लीजिए मेनस ओडिया ने जब अपना उपन्यास 1920 में या जो वृतांत जो लिखा, तो हम मानेंगे कि वो अपनी बात वो कहना चाह रहे थे, या उस समय की जो आदिवासी महासभा या और दूसरी जो लोगों के द्वारा जो पत्रिका निकली, या इवन आप देखिए राधा कृष्ण जी ने जो आदिवासी पत्रिका जो संपादित की, तो इन सभी में देखिएगा कि कहीं ना कहीं आदिवासी भाषा को, आदिवासी साहित्य को, आदिवासी जीवन को कहीं ना कहीं स्थान जरूर दिया जा रहा था। लेकिन वहां ये बात था कि हमारी बातें बहुत प्रखर ढंग से, हम जितनी तेजी के साथ, जितनी अपनी बातों को जितनी प्रखरता के साथ आज कह रहे हैं, संभवतः उस समय उतनी प्रखरता के साथ हम नहीं कह रहे थे। एक और दूसरी बात है, वो लेखन से ही जुड़ी हुई बात है। देखिए, अभी हम लोग हिंदी साहित्य में आदिवासी लेखन की बात कर रहे हैं, और हम उन साहित्य की बात कर रहे हैं, उन साहित्यकारों की बात कर रहे हैं जो सीधे हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है,
और जबकि हम ये जानते हैं कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि आदिवासी लेखन केवल हिंदी में ही लिख रहा है अपनी अभिव्यक्तियों को पहुंचाने के लिए, या उसी समय में या उससे पहले भी उनकी मातृभाषाओं का अपना लेखन है जिससे हम नहीं परिचित हैं, क्या ऐसा भी है? हाँ, उस समय देखिए जो आप देखेंगे कि जो शुरू में जो आदिवासी पत्रिका जो निकली थी, राधा कृष्ण वाले संपादित, या चाहे हमारे जो आदिवासी महासभा द्वारा, ये है ना कि कई भाषाओं में, दो तीन भाषाओं में छप रहे थे, मुंडारी सादरी हिंदी में, तो वो बहुभाषिकता को शुरू से ही उन लोगों ने महत्व दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आजादी के बाद क्या हुआ कि हिंदी को बहुत महत्व दिया गया, तो संभवतः क्या है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो हिंदी की ओर आकर्षित हुआ, उसको पढ़ाई लिखाई में हिंदी को, उसको जो अपनी मातृभाषा की में सुविधा नहीं मिली पढ़ने लिखने के लिए, तो संभवतः वो सारे लोग है, शिक्षा जो उन्हें ग्रहण करनी थी तो उन्होंने लगता है कि हिंदी को ही अपना माध्यम बनाया और उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो इसी के संदर्भ में मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ। तो ये जो एक आदिवासी लेखक के साथ ये जो एक चुनौती है भाषा की, इस भाषा की चुनौती को हम किस तरह से देखेंगे? क्या वो मातृभाषाओं की तरफ अपनी भाषा को बचाने के उद्देश्य से जाता है, और जब वह मेनस्ट्रीम की भाषा का इस्तेमाल करता है हिंदी अंग्रेजी का, तो क्या वो यह सोचता है कि इसके जरिए वह ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेगा? ये जो भाषा का जो द्वंद्व बना है आदिवासी लेखन में, इन चीजों को हम कैसे देखेंगे? देखिए वो क्या है कि एक तरह का ये आत्मसंग्रह है और अपने बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, कई बातें हैं जो आप अंग्रेजी के माध्यम से उच्चतर हाई ग्रेड के बौद्धिक वर्ग को आप कह सकते हैं, तो आपको अंग्रेजी में लिखनी पड़ती है। वहीं आपको जो है हमारा जो मध्यम वर्ग है हिंदी हिंदी बेल्ट का हिंदी क्षेत्र का, तो उसको समझाने के लिए हमें हिंदी में लिखना पड़ता है। और उसी तरह हमें जमीनी स्तर पर हमारे लोग हैं जो अपनी मातृभाषा, हमारे सादरी मुंडा हो उराव संताली से जुड़े हुए हैं, कुछ बातें उनके लिए भी लिखनी पड़ती है। तो ये जो हमारा जो संघर्ष है, हम तीनों जगह हम स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जिस पाठक वर्ग तक बोलिए या श्रोता वर्ग तक, उसको जैसे जैसे उसको दिखाई देता है और जैसा उसको महसूस होता है, तो वो उसी तरह से कुछ कुछ लिखता हुआ दिखता है। और वो हर जगह वो जूझता है, हिंदी में जूझता है, अंग्रेजी में जूझता है, अपनी मातृभाषा में जूझता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही उनकी प्रतिभा है या उसकी ऊर्जा है कि वो तीन चार भाषाओं में काम कर रहा है। क्योंकि अमूमन जब हम विमर्श की बात करते हैं, सामाजिक विमर्श की बात करते हैं, तो एक सीमा ये रह जाती है इस विमर्श की कि हम चीजों को केवल सामाजिक समस्याओं तक केंद्रित करके देखते हैं, और ऐसा करते हुए जो एक बड़ा जो सांस्कृतिक फलक है जिसमें भाषा एक अनिवार्य स्तंभ की तरह है, इस पर बात नहीं की जाती है। या आज भी अगर हम देखें जो अकादमिक आदिवासी विमर्श हो रहे हैं सेमिनारों में गोष्ठियों में, अमूमन कम जगह देखने को मिलता है कि वे मातृभाषाओं पर भी डिस्कोर्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये चीजें बहुत कम दिखती है। तो वो इसलिए भी जरूरी है कि अपनी मातृभाषा में जो बहुत सारी बातें हैं या उनका जो सांस्कृतिक महत्व है या उनका जीवन से जो जुड़ाव है या जो ज्ञान की बातें हैं या उनके जो फिलॉसफी की बातें हैं, तो उनके जो देवी देवताएं हैं वो हिंदी या दूसरी भाषाओं में आने से वो विकृत हो जा रहे हैं। मैं जैसे अभी छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जो यहाँ की जो स्थानीय भाषा के प्रयोग करने की वजह से क्या हुआ कि हमारे उराव मुंडा और खड़िया जो हैं उनके ऊपर कुछ कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया। जैसे छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि ये जो शरद चंद्र राय की जो किताब है जो उन्होंने लिखी है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो उसकी जो भाषा के बदले उन्होंने सादरी या दूसरी हिंदी भाषा का प्रयोग किया। प्रयोग करने से अब मुंडा का तो बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे
कुड़ुख में क्या है कि कुड़ुख जो उरांव में लिखा तो उसमें उन्होंने सादरी भाषा का प्रयोग किया, जिसके वजह से उसकी जो ज्ञान से संबंधित चीजें थी वो अलग हो गई और उसका कुछ अलग अर्थ निकाला, और नई पीढ़ी उसी किताब को पढ़ रही है और अपनी जो मूल जो कुड़ुख परंपरा है उससे कट रही है। तो ये एक खतरा है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस खतरे का एहसास हमारी नई पीढ़ी को हो चुका है, इसीलिए वो अपनी बातों से या अपनी परंपराओं से या अपनी विरासत से जुड़ने के लिए मातृभाषा की ओर लौट रही है। इस खतरे का उसे कहीं पर एहसास हो चुका है। अच्छा, जैसे एक बात और कही जाती है, वो वैचारिकता से जुड़ी हुई बात है। जैसे कहा जाता है कि जब प्रगतिवादी साहित्य लेखन आया तो उसकी वैचारिकी बनी मार्क्सवाद की, जब दलित लेखन आया, दलितों ने खुद को स्थापित किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी जो वैचारिक धारा है वो अंबेडकर की है, बुद्ध की है, फुले की है, इस तरह से बात कही गई। जब हम आदिवासी लेखन की बात करते हैं तो आदिवासी साहित्य लेखन की वैचारिकता क्या है? आदिवासी जो है वो विकास चाहता है, लेकिन वो धरती खोर, आदम खोर, मुनाफा खोर विकास नहीं चाहता है। तो इसी तरह ये जो जीव दृष्टि है, इस तरह की बातें जो है हमारे जो साहित्य में उभरेगी, क्योंकि हम जितने भी हैं, हम मानव विरोधी बात नहीं कर रहे हैं, मानव के हित की बात कर रहे हैं, धरती के हित की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे जल जंगल जमीन हर तरह के हित को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सगे संबंध है पेड़ पौधे नदी झरने सभी हैं। तो उस जगह हमारा जो आदिवासी जो साहित्य है या हमारा जो आदिवासी दृष्टिकोण है वो संभवतः दूसरे लोग हैं और उनसे कहीं पर उनकी जो खांचे में है या उनके दृष्टिकोण में है या उनका जो मापदंड है उसमें संभवतः नहीं आता नहीं दिखता है। यानी आपका कहना ये है कि जो आदिवासी वैचारिकी है, वैचारिकता है, वो किसी व्यक्ति केंद्रित विचारधारा पर नहीं है या ऐसी विचारधारा से नहीं चलता है साहित्य या उसका लेखन जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित या प्रेरित जो विचार है उस पे नहीं, एक सामूहिकता को लेकर चलता है, माने कि ऐसी सामूहिकता जो प्रकृति के साथ भी रहे, जो मनुष्य के साथ भी रहे, और वो कोई इंडिविजुअल किसी चीज को लेकर वो माने किसी को किसी व्यक्ति को नायक के रूप में नहीं मानता और उसके खंबे के इर्द गिर्द नहीं चलता, क्या कुछ इस तरह की बातें हैं? और वो एक सामूहिकता, सहजीविता, और जैसे मैंने बोला कि धरती को नुकसान, जो मुनाफा को रही है, जो विकास का सवाल है, जो उपभोक्तावादी संस्कृति या जो तथाकथित विकास जो है जो आदमी को भी खा रहा है, धरती को भी खा रहा है और सभी को नुकसान कर रहा है, और इसको लोग नहीं समझ रहे हैं, इस पर जो है हमारा जो आदिवासी है वो सवाल भी खड़ी करता है और उसके लिए रास्ता सुझाने का भी प्रयास करता है कि भाई आप ऐसा नहीं करो, उसके लिए सावधान भी करता है। तो मुझे लगता है कि आदिवासी जो विचार की है या विचार है वो कहीं दूसरे लोगों से वो ज्यादा व्यापक और ज्यादा उदार और ज्यादा प्रगतिशील आगे बढ़ा हुआ लगता है। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का डिस्कोर्स एक वैश्विक डिस्कोर्स बना हुआ है। जैसे हम ये बात देखते हैं कि यूएनओ में भी यूएनओ ने इस तरह के कई कमेटियां गठित की हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो जो आदिवासी बौद्धिक हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनसे बात करके ही हम इस चीज को हल कर सकते हैं, इस तरह के डिस्कोर्स भी देखने को मिले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आदिवासियों के आदिवासी समाज की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो बहस खड़े किए जा रहे हैं, उस बहस को विश्व परिदृश्य में सुनने की समझने की कोशिश हो रही है। तो इसी से जुड़ी हुई बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से जो नारीवादी साहित्य है, नारीवादी साहित्य की उपलब्धि हम यह मानते हैं
कि उन्होंने हमारे दिमाग में, हमारे मानस में बैठी हुई पितृसत्तात्मक जो संस्कार थे उसको तोड़ने का काम किया। और उसी तरह से दलित लिटरेचर ने हमारे समाज में जो जातिवादी, वर्णवादी और एक मनुवादी जो संरचना बनी थी, मानसिकता बनी थी, उसको तोड़ने पर या उस पर सवाल करने में उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक उपलब्धि की तरह हम उसे देखते हैं। इसी विचार से आपकी रचना को जोड़ सकते हैं। आपकी जो कविता की पुस्तक प्रकाशित हुई उसका शीर्षक ही है जंगल पहाड़ के पाठ। जंगल पहाड़ के पाठ, यानी यह शीर्षक ही कह देता है कि जंगल पहाड़ में रहने वाले लोगों के भी अपने विचार हैं, उनकी भी ज्ञान परंपराएं हैं, उनका भी पाठ है और उसे सुनाया जाना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? किसी तरह की प्रस्तावना है आपकी उस पुस्तक में? क्योंकि देखिए, मैं जो तो लिख रहा था बहुत दिनों से, लेकिन मैंने जब तक ये कंफर्म नहीं हुआ, और देखिए उसमें मेरी सिर्फ 44 कविताएं हैं, मतलब 250-300 लगभग कविताएं लिखी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 44 कविताएं उसमें जोड़ी, और वो इस दृष्टि से जोड़ी कि अब वो एक हमारे आदिवासी जीवन के बारे में स्थानीय बातों से लेके हर तरह की बातों को कह सके, ऐसा मेरी मतलब दृष्टि रही। तो ऐसा हमने कोशिश किया था, इसीलिए हमने 44 तक ही सीमित किया, और प्रकाशक ने बोला कि 100 पेज तक ही सीमित रखूंगा। क्योंकि जो बात आप कह रहे थे और... कि जो विश्व समुदाय है, हाँ, वो आदिवासी ज्ञान परंपराओं को भी समझने की कोशिश कर रहा है, और आपकी जो पुस्तक है जंगल पहाड़ के पाठ, उसने पूरा डिस्कोर्स दिखाई देता है। और जी, और आपकी कविताएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं, और बहस तलब कविताएं हैं, कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। मुझे बार बार वो कविता का ध्यान आता है, पेरवा घाग के कबूतर। पेरवा घाग के कबूतर एक ऐसी कविता हमारे सामने आ जाती है जो हमारी पूरी संवेदनाओं को, बदलती हुई संवेदनाओं को, जीवन शैलियों को एक नए तरीके से इंटरप्रेट करती है, सवाल खड़ी करती हुई, विकास के खासतौर से जो मसले हैं उन चीजों पर सवाल खड़ी करती हुई। एक और बात हम लोग करेंगे और हम बात को आगे समाप्ति की तरफ ही ले जाएंगे। इनकी जो किताबें प्रकाशित होती हैं या इनके जो शीर्षक होते हैं लेख या किताबों के, बहुत ही रोचक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप ही की किताब की हम बात करें, सभ्यों के बीच आदिवासी, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरह है शीर्षक ही। जैसे अमन लोग कहते हैं, अरे आदिवासी, आदिवासी तो जंगल में है, पहाड़ में है, कहीं पिछड़ी हुई जगह में अपना कुछ कर रहा होगा, लोग यही सोचते जानते हैं। लेकिन आपने लिखा सभ्यों के बीच आदिवासी, तो क्या हम इसको, इस पूरी पुस्तक की थ्योरी को इस रूप में ले सकते हैं कि यह एक तरह की एंटीथेसिस है जो सभ्य लोगों के द्वारा आदिवासियों को लेकर गढ़ी गई अवधारणाओं के खिलाफ, या उस पर एक प्रतिप्रश्न की तरह है यह किताब, हम इस तरह समझे? मुझे ऐसा लगता था कि एक आदिवासी, मैं एक सभ्य समाज के बीच में रह रहा हूँ, तो मेरी तकलीफों को लोग कैसे समझेंगे, या मैं क्या महसूसता हूँ, इस चीज का एहसास दिलाने के लिए। मैं अभी आप जो कह रहे हैं उसमें मैं इतना इस पर नहीं सोचता था, लेकिन मेरे अंदर एक ही दृष्टि थी कि मैं चाहता था कि जो हमारी तकलीफ है, या जो हम क्या सोचते हैं पत्रकारिता के बारे में, हम क्या सोचते हैं, या कंप्यूटर के बारे में क्या सोचते हैं, सिनेमा के बारे में क्या सोचते हैं, खेल के बारे में क्या सोचते हैं, चित्रकला के बारे में, तो संगीत के बारे में हम क्या सोचते हैं, मांदर के बारे में क्या सोचते हैं, या जो भी बातें हैं, एक आदिवासी कैसे सोचता और देखता है, मेरे यही कोशिश थी। अब ये इत्तेफाक है कि इस तरह की बातें अब आप लोगों को दिख रही है, लेकिन मेरी उस समय समस्या ये थी कि मैं एक आदिवासी को कैसे मतलब समझाऊं, और अपनी तकलीफों को कैसे कहूं, और उनको भी बताऊं कि ऐसे है, तो वो मेरी कोशिश ये थी। हम लोग बातचीत समाप्त करते हैं, और कंक्लूजन यही है कि विश्वरंग ने हमें अवसर दिया, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों ने आदिवासी साहित्य पर परिचर्चा की, और आपने बहुत ही विस्तार से, यानी आदिवासी साहित्य लेखन के शुरुआती उभार से लेकर अब तक के विमर्श के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण बातचीत की, और मुझे लगता है यह एक दस्तावेज होगा आने वाले दिनों के लिए, और हम विश्वरंग के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं।